पलव पांच हजार वर्ष आम आत्मा मने यात्रा करके कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे पहुँचले अलौकिक जीवन को आसीगले ब्राह्मण जन्म प्राप्त हला त्यागी तपस्वी जीवन मिलीगला किंतु कलिजुगर अंत समय रे ये पतित दुनिया भीतर त्याग करिबा एक परमात्मा सहित बुद्धि चोट लगेगी तपस्वी जीवन बनेबा दैवी गुण को जीवन रे धारण करिबा परमात्मा कर संदेश चारिआड़े प्रसार करिबा सेवा करिबा आम पे सहज हो गला कष्टर अनुभव होने को कारण सुषमा माताजी स्नेहटा मिली गला ना से परमात्मा स्नेह कारण आमको त्याग करिबा तपस्वी जीवन बनेबा अथक की सेवा करिबा पूरा सहज हो गला किसी कष्टर अनुभूति होना ना हो मोहब्बत बाबार मेहनत मुक्त करदेला आज सारा मूल्य स्मृति द्वारा समर्थ स्थिति बनेबार आज तारीख होचे डिसेंबर एक तारीख रूल्य रिवाइज डेट जनवरी 18, 2003 मूल्य 18 तारीख आसिले प्रत्येक ब्राह्मण मानकर स्मृति पटल रे ब्रह्मा बाबार स्मृति आसी जाउछे बाबार प्रत्येक पाहुंड प्रत्येक जीवन रो जो पुरुषार्थ रे घड़ी सेटा स्मृति आसी जाउछे बाबा प्रति विशेष स्नेह जागृत हो स्मृति द्वारा आमर स्थिति समर्थ बनी जाउछे तो आज बाबा कहे ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा समर्थ बनेबा शक्तिशाली बनेबा केवल निजे बनेबानी समस्त को समर्थ बनेबा आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल स्नेह की मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहुंच गए 18 तारीख आसिले प्रत्येक पिला मन बाबार मीठा मीठा स्नेही पिला मन भिन्न भिन्न शब्द द्वारा स्नेहर मोतीर माला बाप दादा पाखरे अमृत वेला ठारु पहुँचाऊ अनुभव तो अच्छे ना तो बाबा के बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है पिला मन कर स्नेह जे स्नेह सागर बाप दादा को मध्य स्नेह रे लीन कर दोचे विशेष रूप से शिव बाबा आ ब्रह्मा बाबा पिला मन कर स्नेह सागर रे निज को लीन कर दोचे तो बाबा कहे
बाप दादा ने देखा हर बच्चे में स्नेह की शक्ति कितना है। प्रत्येक बाबर पिलामन का भितरे स्नेह शक्ति कितनी की अच्छे अटूट है, केबे भी टूटीबन कौनसी कारण रे भी कौनसी परिस्थिति रे भी बाबा प्रति जो स्नेह अच्छे सेटा केबे भी टूटीबन अविनाशी अटे। तो बाबा की स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। आम पाई योग सहज हो गला को कारण रो स्नेह कारण रो जा प्रति स्नेह अच्छे भल पाइबा अच्छे ताको मन पकेबा पूरा सहज अटे तापे परिश्रम लगुन। तो बाबा के स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हो। से स्नेहर आधार सब आकर्षण ठर को आकर्षण भीतर अच्छे देहिक आकर्षण पुराना स्वभाव संस्कार वस्तु वैभव ये सब आकर्षण ठर बुद्धि उपराम है कि आगो को हमें बढ़ी चल चलते। तो बाबा के ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा व विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। बाबा के लिए गोटे पिला को मध्य देखेने जो संतान के बाप दादा द्वारा विशेष आत्मा मन कर न्यारा आउ प्यारा से स्नेहर अनुभव कर नथिबो। जदि न बाबा घर को फर्स्ट टाइम आसतले प्रथमे अनुभूति हला कहार ज्ञानर स्पष्टता नथिला किंतु दुनियार स्वार्थी स्नेह ठारो आमे न्यारा स्नेह अनुभव कले। जो स्नेह आत्मिक स्नेह थिला पवित्र स्नेह थिला जो स्नेह रे किछि मते कामना नथिला देहिक स्नेह ठारो उर्ध थिला न्यारा भी थिला तो प्यारा भी थिला डिटेच भी थिले अनकंडिशनल लव मध्य थिला से स्नेह रे अटैचमेंट नथिला। तो बाबा कहे हरेक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदि काल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। हे चिन्ना ना प्रत्येक ब्राह्मण मान कर आरंभ समय आदि काल स्नेहर शक्ति द्वारा हैला। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। ये ब्राह्मण जन्मर जो स्नेहर शक्ति ईश्वरीय स्नेह आत्मिक स्नेहर शक्ति हमको वरदान बन के आगो को बढ़ोचे। आज का दिन विशेष बाप और बच्चों का स्नेह का दिन है। 18 तारीख आसिले किए मन पड़े ब्रह्मा बाबा जो दिन बाबा व्यक्त शरीर को छाड़ के अव्यक्त होते फरिस्ता बनी से दिन पिलामानकर आउ बाबार स्नेहर दिन अटे। हरेक बच्चे ने अपने दिल में स्नेह की मोतियों के बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाएं। 18 तारीख दिन प्रत्येक ब्राह्मण माने स्नेहर मोतीर बहुत माला बाबा को पिंधौचंते और शक्तियाँ आज का दिन मर्च है लेकिन
स्नेह की शक्ति इमर्ज है। अमे आत्मा माने मास्टर सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान बाबार समुद्र आसिके सर्वशक्तिर अनुभव करछन्ते। किंतु 18 तारीख दिन सबुजाक शक्ति जेमति लीन हो जाउछे मर्ज हो जाउछे केवल बाबार स्नेह ये ब्राह्मण जीवन रे इमर्ज हो छे। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लव लीन है। आमे जेमति बाबा भीतर हजि जाउछन्ते सेमति बाबा भी पिला मन को स्नेह भीतर पूरा हजि जाउछन्ते। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। जनवरी 18 तारीख को आमे को दिन कहते स्मृति दिवस। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाबा के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाया। ए जो दिन केवल ब्रह्मा बाबार स्मृति दिवस ना, बाप दादा आज ठारु सदा काल पर्यंत जोटा भी बाबा को ब्राह्मण जन्म मिलू मिलू सारा स्मृति दल आरंभ ठारु एबे पर्यंत सबुजाक मन पड़ जाउछ। ब्राह्मण जीवन को आसिले सारा जीवन स्मृति रे आसीला। तो बाबा के स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। पूरा आरंभ ठारु एबे पर्यंत जहाँ भी ब्राह्मण जीवन रे स्मृति तार माला बहुत बड़ माला अटे। सबसे पहले स्मृति सबको क्या मिली जितने बाबा घर को फर्स्ट आसते प्रथम स्मृति कौन मिलता कौन मिलता को पाठ पढ़ते तो बाबा कही मैं कौन हूँ। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन करती। पूर्वर भावुले मु शरीर अटे मु रोल अटे पोस्ट अटे पोजिशन अटे जहाँ भी परिचय दे सबुजाक मोर थिला कोठी मु नथिले। किंतु बाबा प्रथम पाठ को पढ़े देले मु शरीर ठारो न्यारा आत्मा अटे। जितने आत्मिक स्मृति मिलीगला आमर वृत्ति आमर दृष्टि आमर स्मृति सब परिवर्तन हो गला। देखुं को प्रकार आत्मिक दृष्टि रे वृत्ति रे से पवित्र भावना कर्म रे आसिले परिवर्तन हो गला। तो करेला के आत्मिक स्मृति ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ जाती है। जितने ए प्रकार स्मृति आसी जाए पिला मन को चेहरा रे रूहानी खुशी रा झलक नैन रे आ मुख द्वारा देखा जाए। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त माला सिमरण करते हैं। आमे प्रत्येक मुहूर्त रे से स्मृति को मने पकोचंते। किंतु आर यादगार स्वरूप भक्त मने कौन कले माला को जपेले। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बना ही देती है। अमृत वेला रे गुट्टे स्मृति आने
मुरलाइट हाउस सटे से स्मृति से संकल्प को दिन जाक स्थिर कले जिते कर्म योगी बनले बार बार तार स्मृति रे रहिले से लाइट हाउस स्मृति द्वारा कर्मर बोझ भितरे भी मो आत्मा लाइट रो अनुभव कले तो से स्मृति मत समर्थ देला शक्ति दे देला। तो बाबा कहे जैसे स्मृति वैसे ही समर्थी स्वत ही आदि है। तो प्रत्येक दिन अमृत वेला रे कौन कर चंते गोटे गोटे संकल्प दौन निज को ना ना दिन सारा से समान निज को स्थित कर समान द्वारा ही आत्मा को शक्ति आसुचे। तो बाबा की इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन भी कहते हो। तो ब्रह्मा बाबा सामने आते ही बाबा की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। ब्रह्मा बाबा को सामना रे देखो चंदे बाबार दृष्टि जितना मो ऊपर पड़ुचे आत्मा भितरे शक्ति आसी जाऊचे सब अनुभवी हो ना बाबा तो दृष्टि तो नहीं चंदे ना भले साकार बाबा तो दृष्टि नहीं नांदे किंतु सूक्ष्म रे भी बाबा तो दृष्टि नौ चंदे से दृष्टि द्वारा पिल्ला मन को शक्तिर अनुभव हो जाए। तो सभी अनुभवी हो ना चाहे साकार रूप में देखा चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। राजी बाबा को चलते चाहे साकार ब्रह्मा बाबा को के देखी चंदे चाहे अव्यक्त बाबा सहित पालनार अनुभव कर चंदे अव्यक्त स्थितिर अनुभूति कर चंदे गोटे सेकेंड रे दिल सहित हृदय सहित बापदादा कहिले आत्मा भितरे शक्ति आसीगला। तो बाबा के इसलिए ओ समर्थ आत्माएं अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। बाबा होमवर्क दले गोटे हे समर्थ आत्मा माने निजर समर्थ स्वरूप द्वारा अन्य मान को समर्थ बनाओ शक्तिशाली बनेबा। उमंग हे ना बाबा पचारुचंद उमंग अच्छे ना ना हे उमंग असमर्थ को समर्थ बनाना हे ना। बाप दादा ने देखा चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। बाबा इटा भी देखुचंद चारिपटे जो पिला मने दुर्बल ही जाइचंद कमजोर बनी जाइचंदे से मन को समर्थ केमिति बनेबा तार उमंग पिला मन को भितरे बहुत अच्छे। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हो ना मुरली तिला जनवरी मास रा बाबा को कौन देखा गला शिवरात्रि रो प्रोग्राम। तो बाबा की सबको उमंग है ना जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वो हाथ उठा। बाबा के लिए जा भीतरे उमंग अच्छे ये जो शिवरात्रि आसे ये शिवरात्रि रे आमे पिला मन किछ विशेष कर किछ कमाल करके देखे बाबा के जो से माने हाथ उठा ऐसी कमाल जो धमाल ही खत्म हो जाए। बाबा के लिए एमिति सेवा कर एमिति कमाल कर जहाँ भी विश्रृंखला जहाँ भी धमाल सब जगह समाप्त हो पारे जे जे कार हो जाए वाह
वाह समर्थ आत्माए वाह। तो बाबा कहले जय जय कार आसीजीव को प्रकार जय जय कार वाह मोर समर्थ आत्मा माने। तो बाबा की सभी जोन ने प्रोग्राम तो बनाया है ना शिवरात्रि पे प्रत्येक जोन रो विचार चल केमती कर प्रोग्राम बने वो पंजाब ने भी बनाया है अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं प्यासी आत्माएं अशांत आत्माएं ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। तो बाबा के लिए जो आत्मा मने भटको चलते तृष्णार्थ आत्मा अटंते अशांति आत्मा अटंते जो आत्मा मने चाहूचंते आमको सुख शांतिर अंजलि मिले जा। तो बाबा कहे फिर भी आपके भाई बहन है ना से मानकर इच्छा को पूर्ण किए करेंगे आम समर्थ आत्मा मान आमर ही भाई भी अटंते। तो अपने भाइयों के ऊपर अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना आमर भाई भी मान प्रति आमर दया तो आसुचे ना से दया कारण आम कौन कर समर्थ स्वरूप स्थित है कि प्रत्येक आत्मा को सुख शांतिर अंजलि दबा। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते लेकिन शक्तियों को देवताओं में गणेश है हनुमान है और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते वो कौन है। आजिकल विपत्ति आसले दुख आसले क्या मन पकाउंते भगवान को मन पकाउंते अनेक ना रूप से मन पकेले विशेष रूप से शिवंकर शक्ति मान को मन पकाउंते जगदम्बा को मन पकेले दुर्गा को मन पकाउंते काली को मन पकेले लक्ष्मी सरस्वती को मन पकेले और देवता भीतर विशेष रूप से गणेश को मन पकाउंते हनुमान को मन पकेले बाबा को जन से माने सब किए। तो बाबा की वो कौन है आफी फोना से स्मृति आसीगला मुख प्रकार आत्मा अटे मत भक्त मैने आज चित्कार कर। तो बाबा की आपको रोज याद करते हैं हम पिला मन को सारा भक्त मैने प्रत्येक दिन मन पकाउंट स्मृति आम पाखे पहुँचुचे ना ना पहुँचुचे हाँ सावित्री भी पहुँचुचे। तो बाबा की पुकार रहे हे कृपालु दयालु रहम करो कृपा करो हे कृपालु दयालु आम पर दया करो कृपा करो जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। गोटे ही सुख शांतिर गोटे बूंद हमको मिली जाओ और आप द्वारा एक बूंद के प्यासे है तो दुखियों को प्यासी आत्माओं का आवाज हे शक्तियाँ हे देव नहीं पहुँच रहा है। तो बाबा के इतने दुखी आत्मा मानकर सुख शांतिर तृष्णार्थ आत्मा मानकर आवाज आम पाखे पहुँचुनी कि हे शक्ति माने हे देवता माने पहुँचुचे ना नहीं। तो बाबा के पहुँच रहा है ना बाप दादा जब पुकार सुनते तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। बाबा पाखरे आवाज पहुँचुचे तले बाबा क्या मन पकाउंते शक्ति मान को और देव मान को। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा है ही लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियों
विशेष प्राप्त के पूरा संगम जग स्मृतिर दिवस अटे किंतु विशेष रूप से 18 तारीख दिन विशेष स्मृति आसी जाए तो बाबा की अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते यह विशेष दिन ये लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा क्या करे आत्माओं को मनसा द्वारा वाणी द्वारा वा संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। बाबा जन काली ठारु शिवरात्रि पर्यंत चारिआड़े जो आत्मा मैंने अच्छा विशेष समय आत्मा मैंने लक्ष्य रखा अधिक रु अधिक आत्मा मान को चाहे मनो द्वारा हो चाहे वचन द्वारा हो कि संबंध संपर्क द्वारा हो कौनसी विधि रे भी बाबार संदेश पहुँचेबार अच्छे अपना उल्होना उतार दो लास्ट को उल्होना देवे ना केमतिकार उल्होना भगवान धरापृष्ठ को आसीगले हमको टिके भी जनइलनि तो बाबा के अपना उल्होना उतार दो। बच्चे सोचते अभी तो विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है पिलाने भावुचंते बाबा अभी तो विनाश का देखा जाओने विनाश रो डेट का देखा जाओने तो कभी भी उल्होना पूरा कर लेंगे लास्ट को समस्तंकर जोटा इच्छा उल्होना तक पूरा कर दो तो बाबा के लेकिन नहीं अगर अभी से उल्होना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उल्होना मिलेगा। बाबा के लिए एबे ठारू जदि सेमान कर उल्होना को पूरा करिवा परमात्मा कर परिचय दबाने लास्ट को गोटे उल्होना रह जब कोटा बाबा की आपने पहले क्यों नहीं बताया भगवान आसिले इतने बड़ा संपत्तिर मालिक बने के पड़ेले किंतु आमको एबे परिचय मिलला आगर मिलिथिले हमें भी संपत्तिर अधिकारी हो जाए थांतो तो बाबा के हम भी कुछ तो बना देते ये तो सिर्फ ओहो प्रभु कहेंगे इसलिए उन्हें भी कुछ ना कुछ वर्षी की अंजलि लेने दो। बाबा के लिए सेमन लास्ट को कहे हमें तो किछटा जमा कर दे थांतो जदि बाबा को जानी था एबे कौन हरला केवल ओहो प्रभु कहिले किंतु परमात्मा का संपत्तिर अधिकार ठार वंचित हो गल तो बाबा की उन्हों को कुछ तो समय दो। बाबा के लिए से आत्मा मन के प्रति किछि समय दियो सुख शांतिर अंजलि दियो बाबार परिचय दे दियो एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ प्यास के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली है जाको सोसो थव तके गुट्टे बूंद रो पानी बिता पे महत्वपूर्ण अटे सेमति सारा संसार जे परमात्मा प्राप्ति रो तृष्णार्थ अटंत आमे गुट्टे बूंद जदि ज्ञान दे देले सेमानकर इच्छा पूरा हे जे तो बाबा के प्रोग्राम है ना कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहा है कि आत्माओं को हे तृप्त आत्माएं संदेश दो बाबा पिला मन का पाखरे हरी झंडी देखो ना दे किंतु बाजा बजौचंते नगाड़ा बजौचंते अन्य आत्मा मन को हे तृप्त आत्मा मन संदेश दे दियो संदेश दे दियो तले बाबा आवाज में सुन ले तो कौन करिबा तो बाबा कहे कम से कम शिवरात्रि पर बाबा के बर्थडे पर मुख तो मीठा करो कि हाँ हमें संदेश मिल गया। शिव जयंती शिवरात्रि बाबर जन्मदिन अटे
ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ମିଠା ହୋଇଯାଉ। କେମିତି ମୁଖ ମିଠା କରିବା? ଯେ ମୋତେ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଗଲା। ୟେ ଦିଲ ଖୁଶ ମିଠାଇ ସଭିକୁ ସୁନାଓ ଔର ଖିଲାଓ। ବାବାର ପରିଚୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଲ ଖୁଶ ମିଠାଇ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना है। उमंग है ना, पहली लाइन को है बहुत धूम मचाओ। तो बाबा कौन कुछ शिवरात्रि रे धूमधाम रे शिवरात्रि पालन कर, जमी समस्त पाखे बाबार संदेश पहुँचे जीव। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। शिवरात्रि को से मैंने गोटे दिन पावना करछंते, किंतु स्वयं परमात्मा शिव जी की निराकार अटंते, से साकार सृष्टि रे वर्तमान अवतरित हो सारछंते। ब्रह्मा को मुख द्वारा ब्राह्मण मान को रचना करछंते, से ब्राह्मण मान को ज्ञान जोगर शिक्षा देके से मानकर संस्कार को परिवर्तन करछंते, से संस्कार द्वारा नुआ संस्कार को आह्वान करछंते। तले शिव बाबर अवतरण हला आ सत्य जुगर आगमन हबा को जाउछ। बाबकले ए जो शिवरात्रि रो महत्व समस्त को सुना। हमने बाबा का जन्मदिन है सुन के खुशी भी तो मनाए। शिव बाबा समस्त पिता अटंत, से पिता वर्तमान आसचंते, से पिता जन्मदिन को आम पावना करछंते, सुन के समस्ते खुशी तो मनेबे ना। तो बाप दादा ने देखा अमृत वेले मेजोरिटी की याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। अमृत वेला रे मेजोरिटी पिला मानकर बाबा प्रति जो याद ईश्वरीय प्राप्तिर नशा बहुत भल रोज। किंतु होचे कोटा अमृत वेला तो ठीक ठाक रोज ना ना यथार्थ स्मृति रोज दिन जाक। तो बाबा की कर्म योगी के स्टेज में जो अमृत वला का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या? अमृत वेला जो स्थिति दिन सारा जित कर्म आसते ता भितर स्मृति रे अंतर आसीगल, स्थिति रे अंतर आसीगल। बाबा पचार कौन पाई कारण कौन हला? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ वो तो जानते ही हो। जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिला हुआ है ऐसे आत्मा करावन हार होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले हों। यह कर्म इंद्रियां कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं कौन हूँ? करावन हार हूँ, न्यारी हूँ। तो बाबा कहते कर्म व्यवहार आसिले सोल रो कॉन्शियस भी रोचे, कर्म रो कॉन्शियस भी रोचे। ता भितर पिला मने सबोले बाबा को कहछन बाबा दिन जाक कर्म भितर बुद्धि को एकाग्र करवा, आत्म अभिमानी स्थिति रे रही के कर्म करवा आम पे कष्ट हो जाउछ। तापे विधि बाबा कौन कहले कर्म करिकी मध्य मु आत्मा अटे। को प्रकार आत्मा अटे एटा भी आमको जणा अछे। आत्मा को विभिन्न प्रकार समान मिलीगला। मु आत्मा करण हार अटे, कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म करेवा वाला मु आत्मा अटे। प्रत्येक कर्म इंद्रिय मोर कर्मचारी अटंते, कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं कौन हूँ? करावन हार
आत्मा हूँ और शरीर से न्यारा हूँ। बाबा के लिए तारा अभ्यास को बारंबार पढ़ा तो बाबा की क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त करने वालों से सेवा भी कराते, डायरेक्शन भी देते, ड्यूटी भी बजाते, भूल जाते हैं क्या मैं डायरेक्टर हूँ? बाबा के लिए लौकिक रे जे डायरेक्टर से सब जगह काम करछन, साथी मान का सहित आसते निमित्त होकर सेवा भी करोछनते, डायरेक्शन दोछनते, निजर ड्यूटी को मध्य प्ले करछनते, कौन भूली जाउछनते कि मु डायरेक्टर अटे? भूलू नांते। वैसे बाबा की अपने को करावन हार शक्तिशाली आत्मा हो ये समझ कर कार्य कराओ। बाबा के लिए कर्म करवा समय रे निज को कौन भाविबा? मु करावन हार अटे, शक्तिशाली आत्मा अटे, ये शरीर द्वारा मत कर्म करेवार अच्छे। यह आत्मा और शरीर वो करणहार है, वो करावनहार है। शरीर हो चे करणहार, आत्मा हो चे करावनहार। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। बाबा के कर्म करने समय रे ये जो स्मृति हजी जाओ मर्ज हो जाओ। आप सबको पुरानी बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया? जो मैंने आदि रत्न आत्मा मैंने पुराना पिला मैंने से मानक स्मृति रे आसीगला ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ आरंभ रे को प्रकार अभ्यास करथिल को अभ्यास बाबा करथिल? एक डायरी तो देखी है ना बाबा रे, गोटे डायरी रे सब लिखा है कि अच्छे सारी डायरी में एक ही शब्द है, मैं भी आत्मा, जशोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा, आत्मा है आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। जे खाता रे कौन लिखा है थिला डायरी भीतर गोटे शब्द मु आत्मा अटे। जशोदा किए थे? जशोदा को जान, जशोदा माता बाबा के लौकिक स्त्री थे ना, ना तो जशोदा भी आत्मा है, तो बच्चे भी आत्मा है। आत्मा 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 ये जो फाउंडेशन रा बाबा खूब अभ्यास कर चुनता। तो बाबा की पहला पाठ मैं कौन हूँ इसका बार बार अभ्यास चाहिए। आम से अभ्यास कर चुनते के कर चुनते तो बाबा की चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा, दिन सारा चेकिंग करेगा एमती नहीं नॉलेज तो मिलीगला मु आत्मा अटे, किंतु कर्म भितरे संबंध संपर्क भितरे आसिले मोर से आत्मा अभिमानी स्थिति रोचे ना ना बाबा को जो चेकिंग कर अनुभव करे मैं आत्मा करावन हार बन कर्म करा रहा हूँ। तो करण हार अलग और करावन हार अलग हो गए। ब्रह्मा बाबा का दूसरा अनुभव भी सुना, इटा बाबा का फर्स्ट अनुभव थिला समस्त को आत्मिक दृष्टि रे देखिबा। सेकंड अनुभव कोटा थिला का को मन अच्छे? बाबा कौन करथिले प्रत्येक दिन कौन करथिले बाबा? तो यह कर्म इंद्रिया कर्मचारी है, रोज रात की कचेरी सुनी है ना बाबा प्रत्येक दिन राति रे निजर कर्म इंद्रिय र कचेरी लगोथले। हे मन मंत्री दिन सारा तोर अवस्था को प्रकार थिला, चंचल तो है ना, प्रत्येक दिन बाबा कचेरी करथले। तो बाबा की मालिक बन इन कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा ना, मु आत्मा मालिक अटे, कर्म इंद्रिय रूपक कर्मचारी मान को निज दिन सारार हालचाल पचारुले। सेमती आम पचारुंत ना ना
आज आखि चंचल तो हेन कान आज व्यर्थ तो शुणे न मुख रूपक कर्म इंद्रिय आज मोर संयमत बाबा कह प्रत्येक दिन निजर कर्म इंद्रिय रूप कर्मचारी मानकर कचेरी लगाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया है, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया। बाबार जोटा पुरुषार्थ जोटा अभ्यास तार फाउंडेशन पूरा पक्का थिला। ब्रह्मा बाबा सहित जो पिला मैंने लास्ट पर्यंत थिले तांकर अनुभव मध्य में सुनिछंत बाबार जीवन केमते थिला कि बाबा कार्य करते भी शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। तो से पिला मैंने अनुभव कोटा कले ब्रह्मा बाबा शरीर भितर अच्छा सबुजाक कार्य करते चलुंत बुलूं किंतु शरीर पूरा न्यारा पूरा अलग तार अनुभव कले चाहे कर्म का हिसाब भी चुक्त करना पड़ा, लेकिन साखी हो ना स्वयं कर्म के हिसाब के बस रहे ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुक्त होने का अनुभव कराया। तले ब्रह्मा बाबा को मध्य कर्म भोग रो सामना करिया को पड़तला कर्म रो हिसाब किताब को चुक्त कले भी बाबार स्थिति केमती कर थिला पूरा साखी दृष्टा रो स्थिति मुसे कर्म रो हिसाब किताब को चुक्त करछे ना निज को फील होतला ना जो माने देखुथले सेमन को अनुभव होतला जे बाबा निजर कर्मर हिसाब किताब को चुक्त करछंत। एमिति थिला बाबार अंतिम स्थिति। तो बाबा कहे आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना? जनवरी 18 तारीख दिन बाबा अव्यक्त हो गए किंतु लास्ट पर्यंत को पिला को अनुभव हवा को देना जे बाबा अव्यक्त हो जाए आज लास्ट दिन अटे। तो बाबा की इतना न्यारा साखी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की गुट्टे दिन र नाई चार दिन र नाई मासर नाई बर्षर नाई बहुत काल र अभ्यास थिला। को अभ्यास बाबा करथिले न्यारापन र साखी दृष्टार अशरीरी स्थितिर कर्मातीत स्टेज र बहुत काल अभ्यास कला परे अंत समय रे से जो स्वरूप अनुभूति समस्त को हेतला। तो बाबा के बहुत काल का अभ्यास काम में आता है, बहुत काल अभ्यास से काम आसीपरब। ऐसे नहीं सोचो अंत में देह भान छोड़ देंगे नहीं। हम पिला मैंने भावुंत ना लास्ट में फाइनल रे पहुँच जब देह अभिमान को छाड़ी देव बाबा को चलना है। बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावन हार की स्थिति का अनुभव चाहिए। बहुत काल अशरीरीपन रेहटम आत्मा अलगा न्यारा करावन हार स्थितिर अनुभूति दरकार। अंतकाल चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे तंदुरुस्त हो चाहे बीमार हो किसी का भी कभी भी आ सकता है, इसलिए बहुत काल साखीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। बाबा के लिए चाहे युवक हों तो चाहे वृद्ध हों तो चाहे स्वास्थ्यवान हों तो चाहे रोगी हों तो अंत केते बड़े भी आसी पर सेप को अभ्यास को बढ़ेबा। तो बाबा के लिए बहुत काल साखीपन अभ्यास पर अटेंशन दबा ध्यान दबा चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएगी
लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाबा का प्यारा बना देगी। बाबा को जन कितने भी प्राकृतिक विपत्ति आसो आपदा आसो किंतु अशरीरीपन स्थिति जदि तार अभ्यास को आम बढ़े से परिस्थिति रे मध्य आमे से परिस्थिति ठारो न्यारा आ बाबार स्नेह अनुभव हब। इसलिए बहुत काल शब्द को बाबा अंडरलाइन करा रहा है। आज बाबा अंडरलाइन करोचन को शब्द को बहुत काल रो अभ्यास दरकार। तो बाबा ने कहा क्या भी हो सारे दिन में साखीपन की स्टेज का करावन हार की स्टेज का अशरीरीपन के स्टेज का अनुभव बार बार करो तब अंत मते फरिश्ता शो देवता निश्चित हो। बाबा को जन किछि भी है जब सारा दिन भीतरे साखीपन र स्थिति करावन हार र स्टेज अशरीरीपन र स्टेज र अनुभूति बारंबार जदि आमे करछन्ते तले अंत समय रे आमर स्थिति केमते थिबो फरिश्ता शो देवता निश्चित हे जीवो। बाप समान बनना है, बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाबा समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना, बाबा समान बने। शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता अटंते। हमें समान बनेबा का परे शिव बाबा समान निराकार हवा, ब्रह्मा बाबा परे फरिश्ता हवा। जैसे फरिश्ता रूप साकार में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया, जैसे बाप शरीर में होते भी न्यारे हैं। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप को साकार भी पिला मन अनुभव कर। बाबा जो लास्ट रे पहुँचे गले बाबा कथबार्ता करते व्यवहार रे आसते किंतु किंतु पिला मने अनुभव कले जमती बाबा शरीर भितरे रहिकी भी शरीर ठो पूरा न्यारा। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना ये थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। कार्य को छाड़ीबा अशरीरी बनीबा सेटा कम समय है पर सेतिपई बाबा जो दिन सारा कर्म करी मध्य निजर अभ्यास को बढ़ेबा से भीतर भी समय बाहर करेबा निज को स्वरूप स्थित करिया पे को स्वरूप रे अशरीरी पावरफुल स्थिति रो अनुभव करेबा। आप सब फरिश्ता हो, बाबा द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। हमें सब फरिश्ता अटंते बाबा द्वारा ब्राह्मण जीवन रो आधार नेले प्रत्येक आत्मा को बाबार संदेश दबा पाए आमे साकार कार्यरत अटंते। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा को देखा। फरिश्ता अर्थ कोटे देह भितरे रही कि देह तो पूरा न्यारा। ये जो उदाहरण आम क्या भितर देखते ब्रह्मा बाबा भितर असंभव नहीं है। पाने के भावुंत बहुत कष्ट अटे असंभव अटे। बाबा के एग्जाम्पल तो देखुन ना जड़े सिंपल बनी की जाए तो बाबा के देखा अनुभव किया जो भी निमित्त है चाहे भी विस्तार ज़्यादा है लेकिन जितनी ब्रह्मा बाबा की नई नॉलेज नई जीवन नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी उतनी अभी किसी की भी नहीं है।
आज बाबा कहन जी ब्रह्मा बाबार नुआ ज्ञान नुआ जीवन नुआ दुनिया बनेबार जी जिम्मेवारी थिला जी दायित्व थिला सेठी सेतिकी दायित्व पिला मान को भीतर ना सत ना मिछ सत अट ना। तो बाबा की सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाबा समान बनना है और फरिश्ता बनना है। तो शिव बाबा समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना मुश्किल है क्या? बाबा पचार पिला मैंने कष्ट ना सहज सहज हाँ दीपू भाई। तो बाबा ने कहा बाप और दादा से प्यार है ना, जो स्नेह अच्छे सब जाक सहज हो पार। तो बाबा की जिससे प्यार है उस जैसा बनना, जब संकल्प भी है कि बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल तो नहीं। यदि शिव बाबा प्रति स्नेह अच्छे से ब्रह्मा बाबा प्रति भी स्नेह अच्छे, यदि स्नेह अच्छे से स्नेह रे बाबा समान हवा सेटा तो पूरा सहज है गला। सिर्फ बार बार अटेंशन साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले तो बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत है, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। दुनिया रे बड़ बड़ कार्य करे हमें बहुत जन अच्छा, किंतु हमें ब्राह्मण मान जो प्रकार कर्म कर जो प्रकार सेवा करते सेमतीकार किए भी करें। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता के समीपाओ का वरदान दे रहा है। आज स्मृति दिवस उपलक्षे बाप दादा समान हवा पाई पिला मन को आशीर्वाद दे दले, वरदान दे दले। से वरदान कोटा पिला मने समीप को आसी जा, समीप को आसी जाओ आ समीप को आसी जाओ। सब हद के किनारे चाहे संकल्प हो चाहे बोल हो चाहे कर्म हो संबंध संपर्क कोई भी हद का किनारा अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। बाबा के लिए हद्र जोटा भी कूल अच्छे जोटा भी किनारा अच्छे चाहे संकल्प हो चाहे वचन हो चाहे कर्म हो चाहे संबंध संपर्क हो हद्र कौन सी किनारा निजर मन नौका को से किनारा ठार संपूर्ण मुक्त कर मन जमती कौटे हद्रे न फसी जाओ। अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे जीवन मुक्त का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। बाबा के लिए जीवन भीतर अच्छा किंतु पूरा मुक्त जीवन मुक्त जो अलौकिक अनुभूति बहुत काल ठारु कर। अच्छा चारों ओर के बच्चों के पत्र तो बहुत मिला है, मधुबन वालों के क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रहना है। कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। बाबा जी के कितने मध्य प्रयत्न करो निजर स्थिति को हलचल करिया पाए, किंतु सहन शक्तिर कवच आमें एमती पिंधिदबा जे जिते चेष्टा कले भी आमर स्थिति हलचल रो सेफ रही पारिबा। अच्छा ऐसे दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को सदा बाप दादा समान बनने के
संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 न्यारे और प्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज पूरा मुरली का ऊपर थिला बाबा समान बनिया पाए। डबल फॉरेनर को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं हम भी जैसे बाबा दूर देश के हैं ना, हम भी दूर देश से आए हैं। डबल फॉरेनर वाला कौन भावुचन? जेमते बाबा दूर देश रु आसते आमे भी इस साकार सृष्टि रे दूर देश रु आस। तो बाप दादा ने डबल विदेशियों के डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी। दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मनाते। तो विदेशी मनकर विशेषता बाबा कौन कहते गोटे दीप से तो आउटे दीप को जले कि जमती बाप दादार प्रत्यक्षता करने निमित्त हो चारिपटे समस्त आत्मार ज्योति को जागृत करके सच्चा दिवाली पालन करदले। तो डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। डबल विदेशी मनकर विशेषता कोटा बाबर संदेश चारियाडे दबा। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देश के होते हैं। तो मुबारक तो है, सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बन करके उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, अब 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, तो बाबा किसको देख रहा है? और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले होना। तो नंबर 1 कि नंबर वार बनने वाले हो। क्या बनने वाले हैं? नंबर 1 नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। नंबर 1 रे पहुंचिबा तार अर्थ होचे प्रत्येक मुहूर्त रे विजय प्राप्त करिया वाला। जो विन करते वो 1 होते हैं। जो माने विन करिवे विजय प्राप्त करिवे से मन नंबर 1 को जाई परिवे। तो ऐसे हो ना बाबा पचास निमतिया करना बहुत अच्छा है। विजयी है और सदा विजयी रहने वाले हैं। तो अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ यह स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को गोपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। अजी बाबा कौन कहले माता मन को? गोपाल। गोपाल बाबा र प्यारी प्यारी माता मन, स्नेही स्नेही माता मन को अजी बाबा बहुत बहुत स्नेह दौंते। पांडव चाहे युद्ध हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, तो पांडव तो सदा पांडव पति के साथ रहे। भाई मान को भीतर चाहे युवक हों तो कुमार हों तो चाहे अधर कुमार हों तो सारा भाई माने पांडव पति के बाबा बाबर साथी अटंते। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से आज का दिन क्या याद आता है? बाबा जितने बड़दादी से तो मिश्रते बाबा पचर शब्द 18 तारीख रे को स्मृति आसीगला। 18 तारीख दिन स्मृति कोटा थिला दादी का हाथ बाबा का हाथ रे थिला।
बाबा सारा शक्ति सारा विल पावर दे दे, तो बाबा की विल पावर तो मिली है ना, विल पावर का वरदान है बहुत अच्छा पाठ बजाए, इसकी भी मुबारक हो। सभी की दुआएं आपको बहुत है, आपको देख करके ही सब खुश हो जाते हैं, बोलो या नहीं बोलो। आपको कुछ होता है ना, सब ऐसे समझते हमको हो रहा है, इतना प्यार है दादी जी सहित समस्त स्नेह अच्छे। यदि दादी को किसी भी हो जाए पिला मैंने कौन भावुचे आम को ले, तो इतना प्यार है सभी का। हमारा भी सबसे बहुत प्यार है, दादी ने कहा प्यार तो है बहुत सभी से, यह प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो या ज्यादा हो लेकिन प्यार चला रहा है। ज्ञान र धारणा कम हो कि अधिक हो, बाबा र स्नेह, ब्राह्मण परिवार र स्नेह, ईश्वरीय स्नेह पिलामन को चलो चे। बहुत अच्छा है ईशु दादी से, ईशु दादी को क्या देख चुनते देखी ना देखिए। तो बाबा ने कहा इसने भी हिसाब किताब चुप्त कर लिया, कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ सहज हिसाब चुप्त सहज ही हो गया सोते सोते। बाबा को जन दादी कर ईशु दादी कर एत सहज पुरुषार्थ थिला, सहज रे निजर कर्म रो हिसाब किताब को पूरा चुप्त कर दल। केमते सहज रे चुप्त हो गला बाबा जन, सोई सोई चुप्त हो गला। आराम मिला विष्णु के मुआफिक, विष्णुपुरी सोई सोई आराम से निजर कर्म रो हिसाब किताब को चुप्त कर दले। अच्छा है फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने, साकार रे ईशु दादी यज्ञ रक्षक बने थे, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती है। जो आत्मा मैंने यज्ञ रक्षक होते से मन को समस्त आशीर्वाद मिलुचे, एक तो बाबार आशीर्वाद, द्वितीय रे पूरा परिवार आशीर्वाद मिलुचे। जो दुआएं जो आशीर्वाद आम कर्म हिसाब किताब को पूरा सहज बनाई दब। अच्छा सभी दादियाँ बाप दादा की बहुत बहुत समीप है, समीप रतन है और सबको दादियों का मूल्य है, संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते भी रहेंगे, यह एकता सभी सफलता का आधार है। प्रत्येक दादी मन कर एकता, ब्राह्मण परिवार रे एकता, एटा होचे सफलता रा आधार अटे। बाबा बीच में है, बाबा को बीच में रखा है, यह अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। दीपटे दादी मैंने मझे देखे अच्छे बाबा अच्छे। अच्छा सभी ठीक हो, बाबा पचार सब पिला मैंने ठीक अच्छे ना ना अच्छे। आज का वरदान सर्व संबंधों से एक बाबा को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज बाबा आशीर्वाद दले पिला मैंने सहज पुरुषार्थी हो, केमते हवा बाबा स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने के ऑफर करता है। बाबा निजो को सर्व संबंध द्वारा निभेबा पै निजर ऑफर दोचन, तले हमको ऑफर मिली छे ना ने मिली छे। जैसा समय वैसे संबंध से बाबा के साथ रहो और साथी बनाओ, जेमतिकर समय सेमतिकर संबंध रे बाबा को साथी रे रखिबा और बाबा को साथी बने दबा। जहाँ सदा साथ भी है साथी भी है वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता। यदि सर्वशक्तिमान बाबा सर्व समुद्र आम सहित अच्छा आम साथी बनी गले से कौन सी प्रकार मुस्किल आका ना कष्ट आका ना।
जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तब क्या करेंगे? जितने एका एका फील करते कौन भाव उस समय बाबा के बिंदु रूप याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने ला। एका एका फील कले से समय बिंदु रूप रे बाबा को मन पकेवा कष्ट से बाबा कहते ये संगम कौन कौन सब प्राप्ति से प्राप्तिर लिस्ट को सामना को आने भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में ला। ये ब्राह्मण जीवन रे विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न समय बाबा द्वारा रमणीक जो अनुभूति है से अनुभव स्मृति को सामना रे आने सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो। बाबा सहित सर्व संबंधर रसटा को अनुभव करवा तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो परिश्रम समाप्त होमर पुरुषार्थ आम सहज हो पार। आज स्लोगान बहु रूपी बन माया के बहु रूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। राजी बाबा कहते बहु रूपी बनी जा, बहु रूपी बनी कि मायार बहु रूप को परखी दि। जदि जाणीदे आम सहजरे माया उपरे विजय प्राप्त करिपरिबा आउ मास्टर मायापति बनी जीवा। आज केते सुंदर सोमान को सोमान मिलला मास्टर मायापति माया उपरे विजय प्राप्त करिया वाला मायर कौन से स्वरूप द्वारा धोखा खाइबा वाला ना मायर बहु रूप को चिन्हवा वाला आ से निज को मध्य बहु रूपी बनई दबा। आज सोमान मे माया पति हूँ चार थिला ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज दिन सारा स्मृति द्वारा समर्थी को जीवन रे आने वा। ओम शांति।